स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल BR Cinepics में और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के वीडियोज़ की श्रृंखला में हम हाजिर हैं आपके लिए एक नए वीडियो लेकर के। तो आज हम जिस लोकेशन पर पहुंचे हैं इस लोकेशन का नाम है ग्राम भेदाड़ी गुजरान, तहसील भसुआ, जिला दौसा, राज्य राजस्थान। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और आज यहाँ पर जो बारिश है वो नहीं हुई है, तो जो मरम्मत का कार्य है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप सामने देख सकते हैं एक ग्रेडर मशीन द्वारा यहाँ पर जो डिवाइडर का कुछ हिस्सा था वो बह करके चला गया था, तो वहाँ पर मिट्टी डाल करके और उसको रिपेयर किया जा रहा है और उसका समतलीकरण किया जा रहा है। वैसे हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो डामरीकरण है वो पूरा हो चुका है, डामर की 3 लेयर यहाँ पर पहले ही डाली जा चुकी हैं। तो यहाँ पर जो बारिश से नुकसान पहुँचा है उसको यहाँ पर ठीक किया जा रहा है। आप सामने देख सकते हैं ग्रेडर मशीन यहाँ पर लगी हुई है और एक रोलर यहाँ पर जो मिट्टी है डिवाइडर की उसको प्रेस कर रहा है, उसका समतलीकरण यहाँ पर किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, यहाँ पर बांदीकुई में नहीं अपितु पूरे राजस्थान में भारी बारिश हो रही थी, जिसके कारण जो हाईवे है उसको कई जगह नुकसान पहुँचा था और अब यहाँ पर जो उसकी मरम्मत का कार्य वो चल रहा है। Thank you.
हम आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग 4-5 दिन बाद जो कुछ कार्य है वो यहाँ पर किया जा रहा है। वैसे काम बंद पड़ा था कई दिनों से यहाँ पर, और आप सामने देख सकते हैं जहाँ जहाँ मिट्टी का कटाव हुआ था वहाँ पर गिट्टियाँ डाल दी गई हैं। यहाँ पर जो हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, इसकी काफ़ी मिट्टी बह करके नीचे चली गई थी और काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर हो गए थे, तो उनको कंक्रीट डाल करके, जो गिट्टे डाल करके यहाँ पर रिपेयर किया जा रहा है। ये देख सकते हैं जगह जगह गिट्टियाँ डाली गई हैं हाईवे पर। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इसकी मरम्मत का कार्य है वो निरंतर रूप से किया जा रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे द्वारा चुने गए कमेंट्स की। तो पहला जो कमेंट हमने चुना है वो है राजेंद्र प्रसाद मीना जी का। ये लिखते हैं, बांदीकुई जयपुर हाईवे कहाँ होकर के जाएगा जी? इसके लिए हमने एक वीडियो बना के रखा है, आप वीडियोज में जाके देख सकते हैं। अगला कमेंट है कैलाश तायल जी का। ये लिखते हैं, सवाई माधोपुर तक कब तक तैयार हो जाएगा? यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सवाई माधोपुर तक अगले 6 महीनों में तैयार हो जाना चाहिए। अगला कमेंट है दिनेश शर्मा जी का। ये लिखते हैं, नाइस वीडियो। तो हम इनका भी अपने चैनल पर हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अगला कमेंट है वो है हार्दिक जोशी जी का। ये लिखते हैं, थैंक यू फॉर अपडेट। तो हम इनका भी अपने चैनल पर हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अगला कमेंट जो हमने चुना है वो है सतीश जैन जी का। ये लिखते हैं, अलवर जिला में कितने इसके इंटरचेंज उतार चढ़ाव हैं और भरतपुर में कितने हैं कि दोनों बताओ? कि भरतपुर में तो सीकरी के पास है और अलवर में बड़ौदा में और पिनान में इसके उतार चढ़ाव बन रहे हैं। अगला कमेंट है प्रमोद मेहता जी के। लिखते हैं, वी शुड कम्प्लीट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे ऑन वॉर फुटिंग इफ़ यू वांट। जी बिल्कुल, हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ी वीडियो निरंतर रूप से लाते रहते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।